वहां पर। चल क्या रहा आखिर? कर रहे हो तुम दोनों? खजाना ढूंढ रहे अंकल। अगर खजाना ऐसे मिलता तो समुद्र की रेत में सोने वाला हर इंसान आज बहुत अमीर होता है? राजा बनने के लिए राजा वाला दिमाग भी तो होना जरूरी है ना सर। ये देखिए क्या है ये? ये मेटल डिटेक्टर है सर। इससे रेत में छुपी हुई हर धातु, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, हमारा मेटल डिटेक्टर उसे ढूंढ कर निकालता है। अच्छा, हाँ जी, देखा? देखिए सर, ये देखिए सर, ये चिल्लड़ और ये टूटी हुई पायल, ये तेरा खजाना। सर तो ये मछली नहीं पकड़ी क्या आपने? थोड़ा सबर रखना पड़ता है। रिकी, यहां पे कुछ जल दिया खोल, यहां पे जल्दी खोल। रात में क्या देखा? चोट के निशान हैं बॉडी पे, लगता है काफी मारपीट हुई है इसके साथ। आपने कहीं देखा इनको पहले? कहीं भी किसी ने भी? इसकी जेब में ना मोबाइल है और ना ही पर्स, ना घड़ी। ये देख रहे हैं, ये ऐसा लगता है ये अंगूठी जबरदस्ती खींच के निकाली गई। तो कहीं इसका खून चोरी के इरादे से तो नहीं किया गया? हो सकता है, मिसिंग पर्सन ब्यूरो से शायद कुछ पता चल जाए। वैसे भी ये कोई सुनसान जगह तो है नहीं, यहाँ पे रिसॉर्ट है, दुकानें हैं यहाँ पे, फिर भी ये सब। अरे यार, आजकल लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं। ये हो सकता है कि इसकी मौत देर रात में हुई हो जब ये दुकानें वगैरह बंद हो। सकता है।
चलो देखते हैं डॉक्टर सालू के क्या बताते हैं इस लाश को देख के। ऐसे यार मुझे ये देख के लगता है कि इस आदमी को पहले कहीं देखा है क्या? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। देखा, मैंने कहा था ना चेहरा जाना पहचाना है। क्राइम राइटर कमल कुमार बहुत मशहूर राइटर थे, काफी सारे नॉवेल लिखे थे अपराध की दुनिया से। 3 साल पहले मैं मिला था सर इनसे इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन पे। सर इन क्राइम राइटर्स के अपराधियों के दुनिया में तो बहुत सारे दुश्मन होते होंगे। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने इनसे अपनी दुश्मनी निकाल ली। हो तो सकता है सर, क्योंकि ये क्राइम राइटर अपने कलम की ताकत से जुर्म और जुर्म करने वालों का पर्दाफाश करने में लगे रहते हैं। पर्दाफाश तो मैंने भी कर दिया भाई। किस चीज का पर्दाफाश? बस कमल की मौत का वक्त पता लगा लिया मैंने। टाइगर माउंटेन्स की रिपोर्ट बताती है कि इनकी मौत रात को 9:30 बजे हुई। कमल कुमार की मौत रात के 9:30 बजे हुई। उस वक्त बीच पर काफी चहल पहल होती है, किसी ने कुछ तो देखा होगा। हाँ सर, हमने तो पूछताछ भी की थी, किसी ने कुछ बताया नहीं ऐसा। किसे जाना पड़ेगा सर? तो फिर जाओ अभी, फिर से जाओ, फिर से पूछताछ करो। वहां पर वो पानीपुरी वाले होते, भेलपुरी वाले, नारियल वाले, सबसे पूछताछ करो, किसी ने कुछ तो देखा होगा। अब सर इस कमल कुमार के घर जाओ, शायद कुछ पता चल जाए। पंकज, कमल कुमार का एड्रेस मिला? हाँ सर, पूना में रहते थे। पूना में रहते थे और खून मुंबई में हुआ। कैसे हुआ ये सब? समंदर किनारे हमें उनकी लाश मिली है। आपको किसी पे शक है कौन कर सकता है ये? नहीं सर, उनकी किसी के साथ भी निजी दुश्मनी नहीं थी। हाँ माना कि उनकी किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, पर उनकी किताबों को पढ़कर काफी लोगों के दिल में गुस्सा आया होगा, खून खाला होगा। तो किसी ने कभी कोई धमकी वगैरह कोई थी? ऐसा तो नहीं है सर, अगर धमकी आती तो मुझे जरूर बताते। वो मुंबई किसी खास काम से गए थे? उन्हें किताबें लिखने का शौक है, इसीलिए किसी एकांत जगह की तलाश में जाया करते थे, कभी अलीबाग तो कभी लोनावला। और इस बार तो वो मुंबई के किसी रिजॉर्ट में अपनी किताब बदला का क्लाइमैक्स लिखने गए थे। तो मुंबई के किस रिजॉर्ट में ठहरे थे वो? ना इस बार मैंने पूछा और ना ही उन्होंने बताया, लेकिन उन्हें ज्यादातर समंदर किनारा पसंद आता है और ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह उन्हें पसंद ही नहीं आती। पर मैम, जिस बीच पे हमें उनकी लाश मिली वो तो भीड़ भाड़ वाली जगह है, जुहू बीच। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह में ना ही वो रह सकते थे और ना ही लिख सकते थे। वो लिखते किस पे थे, किताब में या कंप्यूटर? कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों पे ही लिखा करते थे, लेकिन जाते वक्त मुंबई वो लैपटॉप लेके गए थे। और कंप्यूटर? कंप्यूटर वहाँ कमरे में है। मैम, कमल जी के उंगली पे यहाँ पर ऐसे अंगूठी का निशान था, पर अंगूठी नहीं थी। अगर उन्हें पैसे और अंगूठी चाहिए थी तो वो सिर्फ वही ले जा सकते थे ना, मेरे पति को मारने की क्या जरूरत थी। आप कुछ बता सकती हैं उस अंगूठी के बारे में, कैसी दिखती है वो? उस पे 10 years लिखा था और लव अलीशा लिखा था। ये पिक्चर जरा फॉरवर्ड करेंगे मुझे? आप रेडी? मैं तुम्हें एक फोटो फॉरवर्ड कर रहा हूँ अंगूठी की। सारे दुकानों में इसको भेजो और पता करो हाल ही में किसी ने ये अंगूठी कहीं बेची है क्या। अलीशा जी, वो कंप्यूटर का पासवर्ड क्या? वो तो मुझे नहीं पता, वो वही जानते थे। क्या हम आपका ये कंप्यूटर अपने साथ ले जा सकते हैं? जी हाँ। जरा देखो भाई ध्यान से, ये आदमी इसको कल देखा था यहाँ पे? मैंने तो नहीं देखा सब, मैंने भी नहीं देखा। अच्छा, कितने बजे तक ये दुकान वगैरह खोला था तुम लोगों ने? सब वही अपना रोज का टाइम, रात के 11:30 बजे तक। हाँ 11:30 बजे, फिर भी इन्हें देखा नहीं? मालूम है इनकी मौत कल रात 9:30 बजे हुई है, देखा कैसे नहीं? झूठ बोल रहे हो? नहीं सब, हम लोग झूठ बोल के क्यों फंसेंगे,
पर साहब वैसे कल 9:30 रात तक तो सब लोग यहीं पे थे। हाँ। अगर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो हम सब मदद के लिए जरूर जाते। हाँ साहब। सर इन दोनों को ब्यूरो लेके चलते, वहाँ सच सच बोलते हैं ये लोग। लेकिन साहब हम तो यहाँ सच बोल रहे हैं ना। साहब एक काम कीजिए, आप ना आपका दिमाग ठंडा करने के लिए ये मेरी भेल खाइए, बढ़िया भेल बनाता हूँ साहब आपकी। हाँ साहब, और नहीं तो ये मेरा चना खाइए, चना जरूर। ये चना खाने आया हूँ मैं, ये भेल खाने आया हूँ मैं, ईश्वर देने के लिए अभी अंदर डाल दो तुम लोग। चलो चलो इनको, आ जा। बाद में आके देखता तुम लोग को। ये भी हो सकता है कि ये लोग सच बोल रहे हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है, डॉक्टर सालुके ने तो बोला था कि मौत 9:30 हुई है। हो सकता है खून कहीं और हुआ हो और बॉडी को यहाँ ठिकाने लगा दिया हो। हाँ सर ये हो सकता है। आप रेडी? गुड, ठीक है हम लोग आते हैं। कमल की अंगूठी का पता चल गया है। दो मिनट करके, एक घंटा हो गया मुझे। मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? पैसे कम मिलेंगे मुझे। क्या बात है, किस बात का शोर है? शोर नहीं मचाऊं तो क्या करूं बताइए आप। अंगूठी की कीमत भी तय कर दी है 50,000 रुपए, लेकिन पैसे कम मिलेंगे मुझे 50,000 रुपए बताइए आप। देखो भाई इतना सारा कैश दुकान में नहीं रखते, लड़के गए हैं कैश लेने के लिए। सिर्फ 50,000 नहीं है तुम्हारे पास? आजकल के बच्चों के गुल्लक में 50,000 रुपए होते हैं। अब तो तेरे गुल्लक को फोड़ने का टाइम आ गया है। लो आ गए तुम्हारे पैसे। अंगूठी दिखाना सर। 10 years love अलीशा। कहां से मिली अंगूठी? इसे तुमको क्या, एक काम करो पैसे दो नहीं तो अंगूठी वापस करो। कमाल आदमी है सर, CID से सबूत वापस मांग रहा है। CID? क्यों कहां से मिली? सब माफ कर दो साहब मुझे, सब पैसों की तंगी की वजह से ये सब। पैसों की तंगी में खून कर देगा किसी का? हैं सब, मैं तो सिर्फ उसे वो पर्स और वो चेन घड़ी ये सब लेना चाहता था। सब उसी ने हाथापाई चालू कर दी थी, इसकी वजह से सब वो गलती से खून हो गया। सब कसम से उसे मेरा मारने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था साहब। कितने बजे की बात है? रात को 11:30 बजे की बात है। कितने बजे? 11:30 बजे। 11:30 11:30 लेकिन सालों के साहब तो 9:30 का टाइम बता रहे थे। उनके गणित में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा विजय ठीक है, देखता हूँ। कैसे हो सकता है यार? क्या हुआ सर, कोई परेशानी? तालिका बहुत बड़ी परेशानी। अभिजीत का फोन था, वो बता रहा था कि जिस आदमी को उसने पकड़ा है उसके हिसाब से इस आदमी की मौत हुई रात को 11:30 बजे, और हमारी राइगर मॉर्टिस की रिपोर्ट के हिसाब से इस आदमी की मौत हुई है रात को 9:30 बजे। बता रहा है 11:30 बजे, हमारी रिपोर्ट बता रही है 9:30 बजे। ये क्या चक्कर है, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? सर ये लाश समुद्र के पानी के कांटेक्ट में आई थी ना, शायद इसलिए हमारी कैलकुलेशन 1-2 घंटे आगे पीछे हो गई। नहीं नहीं तारिका, वो सब मैंने सोचा है, समुद्र के पानी का एंगल मैंने सोचा है, उसके बाद ही ये टाइम सेट किया है मैंने। बढ़िया जी बात है। आप वो रेत के बारे में कुछ बता रहे थे ना? हाँ भूल गया, ये अभिजीत के फोन ने दिमाग खिला दिया। देखो भूल गया मैं, आप बताता हूँ। देखो ये देखो, ये देख रही हो, ये 2 रेत के सैंपल्स, इनका रंग अलग लग रहा है। और भी बहुत कुछ अलग है, ये देखो माइक्रोस्कोप में देखो। सही में अलग है दोनों। ये जो हल्के रंग की रेत है ना तारिका, ये एग्जैक्टली उस जगह की है जहां पर से लाश हमें मिली।
और ये जो दूसरी रेत है ये देखो, इसका और उसका कंपोजिशन अलग अलग है। इस गहरे वाली रेत में तो ऑयल भी है। दोनों रेत एक ही बीच से आई है, फिर एक सैंपल में ऑयल और एक सैंपल में ऑयल नहीं, ऐसे कैसे? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ऐसे कैसे? ये कोई चक्कर है, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन ऐसा है तो फिर तारिका जरूर उस रेत के नीचे ऐसा कुछ दफन है जो हमें नहीं पता है। कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई राज है, लेकिन क्या? माय गॉड, अरे तारिका बहुत देर हो गई है, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ। और आप? मैं ये थोड़ा काम निकाल लेता हूँ फिर जाऊँ। हाँ तो मैं भी रुक जाऊँ ना, साथ में चलते हैं। अरे नहीं बाबा, तुम जाओ ना, बहुत देर होगी, तुम क्या करोगी, दो आदमी एक साथ जाओ। अरे ऐसे कैसे? प्लीज बो, मैं संभालूंगा। और देखो, मुझे रात को देर हो जाएगी तो हो सकता है मैं सवेरे लेट आऊँ, जो काम बचा होगा वो नोट करके जाऊंगा, तुम आके संभालो, जाओ। यू श्योर? आई एम श्योर बाबा, जाओ जाओ। जस्ट टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ बोलो, पासवर्ड मिला? नहीं सर, अभी तो नहीं, शायद इस सीडी से काम हो जाए। ये क्या है, पासवर्ड डिटेक्टर? हाँ सर, एक सॉफ्टवेयर है, ये बड़े बड़े पासवर्ड तोड़ देता है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? सर मेरी सहेली ने दी है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सर उसने कहा था कि वक्त लगेगा, सुबह भी हो सकती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पासवर्ड कॉम्बिनेशन एक एक करके ट्राई करता है। चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। सर मैंने पांडू की जन्म कुंडली पता कर ली है सर, वो सच बोल रहा है, वो एक छोटा मोटा चोर है और एक बार ट्रेन में जेब काटने के चक्कर में जेल जा चुका है। क्या रहा आखिर? ये तो गया काम से, इसका पर्स चेक कर। अरे किधर रखा है पर्स? हाँ मिल गया। क्या हुआ? अरे देखो पैसे है। ये क्या, ये तो सीआईडी वाला है। हद कर दी सालुंखी ने, ना किसी को कुछ बताया, ना किसी को कांटेक्ट किया, बस यूं ही चला गया, और तो और अपना फोन भी यहाँ छोड़कर चला गया। तारिका ये सालुंखे साहब निकले कितने बजे यहाँ से? पता नहीं, कल रात थोड़ा लेट हो गया था तो 12 बजे उन्होंने मुझे घर भेज दिया, और फिर कितनी देर तक यहाँ रुके मुझे नहीं पता। डॉक्टर सालुंखे के घर से आ रहे हैं, वॉचमैन ने बताया कि पूरी रात डॉक्टर साहब घर नहीं लौटे। क्या पूरी रात घर लौटा ही नहीं? सालुंखे ऐसा कभी करता तो नहीं, पूरी रात? ये तो थोड़ी टेंशन वाली बात है ना, कहीं उनको कुछ। अरे नहीं नहीं, सालुंखे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे, बस किसी मुसीबत में ना फंस जाए, बस और कुछ नहीं। अगर एक काम करो, सालुंखे की गाड़ी का नंबर सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, सारे चेक पोस्ट पर भी भेज दो, पता तो चले ये सांग के गाड़ी लेकर गया कहां। सर लोकल पुलिस के हिसाब से सालुंखे सर की गाड़ी इसी रास्ते पर आगे दिखी।
साहब तो गाड़ी में नहीं है। अरे तो फिर गए कहाँ होंगे वो? रिलैक्स रिलैक्स तारिका, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। सर, सालुके सर की लैब यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है सर, फिर वो यहाँ क्या करने आए थे? पंकज, डॉक्टर साहब के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, पता नहीं क्या। जरा ये दरवाजा बंद करना पंकज। यहाँ ये ड्राइवर सीट पे बैठो। कहाँ जाना सर? कहीं जाना नहीं है, ड्राइवर सीट पे बैठो। अब ये बताओ कि गाड़ी के रेयरव्यू मिरर में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? सर कुछ दिख नहीं रहा है। एक मिनट, हाथ में लगा ना। इसका मतलब समझी तारिका? नहीं। डॉक्टर सालुंके की हाइट पंकज की हाइट से कम है। जब पंकज को इस रेयरव्यू मिरर में कुछ नजर नहीं आ रहा, तो डॉक्टर सालुंके को इस रेयरव्यू मिरर में क्या दिखाओगा? मतलब गाड़ी सर नहीं, कोई और चला रहा था? एग्जैक्टली, कोई ऐसा आदमी जो डॉक्टर सालुंके से लंबा है, उसने सीट पे बैठने के बाद ये रेयरव्यू मिरर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। मगर सर, मगर उस आदमी ने सालुंके सर की गाड़ी यहाँ क्यों छोड़ी? वो कहीं आसपास ही रहता है क्या? हो सकता है, या फिर अगर डॉक्टर सालुंके को उठा के ले गए तो शायद हमें गुमराह करने के लिए गाड़ी को कहीं दूर ला के छोड़ दी। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि सर को किसी ने किडनैप किया है? कुछ कह नहीं सकते तारिका, शायद वो ऐसा कुछ कर रहे थे कि उन्होंने खुद की जान को खतरे में डाल दिया। अब किसने किया, क्यों किया, वो तो इस गाड़ी से ही पता चलेगा। इस गाड़ी की अच्छी तरह से तलाशी लो, छोटा से छोटा सुराग हमें डॉक्टर सालुंके तक पहुंचा सकता है। तो नहीं मिले, लेकिन टायर और सीट के नीचे रेत के कुछ कण मिले। रेत के कण? वही रेत जो समंदर के पास होती है। तो मतलब है या तो वो आदमी जो गाड़ी चला रहा था, या वो, या फिर डॉक्टर सालुंके किसी बीच पे गए थे। हाँ सर, बता रहे थे कि कमल की बॉडी पे से दो अलग अलग किस्म की रेत मिले। कमल की बॉडी पे तो अलग अलग किस्म की रेत, और शायद इसी रेत के बारे में पता करने के लिए डॉक्टर सालुंके किसी बीच पे गए होंगे रात को। गए किस बीच पे है वो? सर, सर पासवर्ड मैच हो गया। गुड, जरा देखो क्या है इसके अंदर। सर इसमें दो फाइल्स हैं, ग्रिट और रिवेंज। रिवेंज, बदला? और इस बार तो वो मुंबई के किसी रिजॉर्ट में अपनी किताब बदला का क्लाइमेक्स लिखने गए थे। तो वही नॉवेल है जिस पे कमल जी काम कर रहे थे। जरा खोलो सर। सर इसमें इसमें क्लाइमेक्स का पेज तो खाली है। क्लाइमेक्स का पेज खाली है? कमल जी की वाइफ ने बताया था कि वो इसी का क्लाइमेक्स लिखने के लिए छुट्टी पे गए थे, तो फिर उसने कुछ लिखा कैसे? नहीं सर, शायद कमल जी का दिमाग ब्लॉक हो गया होगा। मैंने सुना है कि अगर दिमाग ब्लॉक होता है तो राइटर कुछ लिख नहीं पाता। ये कमल जी बहुत ही अनुभवी राइटर है खड़ी, अगर राइटर्स ब्लॉक भी हो गया तब भी कुछ ना कुछ तो लिखने की कोशिश करते हैं क्लाइमैक्स में, अच्छा बुरा कुछ भी। ये काम करिए, ये दूसरा जो फाइल है ग्रेट, इसे खोलो। सर एक और बात है सर, ये कमल जी अपने साथ लैपटॉप लेके गए थे और कंप्यूटर घर पे था, तो फिर लैपटॉप की फाइल इस कंप्यूटर में कैसे आ गई?
फिर ये कोई मुश्किल काम नहीं आजकल। वो एक ऐप है क्लाउड, जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सारे फाइल्स अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं। सर ये ग्रिट में तो एक नई कहानी है। लगता है कमल जी पुरानी कहानी अधूरी छोड़ के नई कहानी लिखने चले गए। नहीं फ्रेडी, तो कमल जी कोई नई कहानी नहीं लिख रहे थे। नोट्स के हिसाब से वो किसी बीच पर नजर रखे हुए थे, मगर क्यों? सर शायद इस क्यों का जवाब उनके इन शब्दों में होगा। जब तुम रेत पे चल रहे होते हो तब तुम रेत पे नहीं चलते, दरअसल तुम चल रहे होते हो हजार करोड़ रुपयों के खजानों पे, जिसे पाने के लिए कुछ दुष्ट पापी मासूमों का खून बहाते हैं। रेत, पता कमल जी को किसी जुर्म के राज का पता चल गया था, जो उनकी मौत की वजह बन गई। सर, कमल जी के फाइल से कुछ पता चला है। ओ गॉड, सालों के सर के गाड़ी पे वही रेत मिली है जो कमल के बॉडी पे से मिली थी, जिस रेत में तेल मिला हुआ था। इसका मतलब सर को पता चल गया था कि तेल वाली रेत किस बीच की थी, और शायद वो कल रात वहीं गए होंगे उस रेत को ढूंढने। आई एम श्योर जाने से पहले कुछ ना कुछ रिसर्च किया होगा उन्होंने। हिस्ट्री चेक करती हूँ, ये विंडो खुला हुआ है। सैन मुलामा बीच, एक साल पहले एक नाव यहाँ चट्टानों से टकराई थी, जिसके वजह से ऑयल स्लिक का निर्माण हुआ, और ये तेल साफ करने में 3 महीने लग गए लोगों को। सिर्फ ये एक लौथी बीच है जिसकी रेत में तेल के अंश है, यानी सालों के सर डेफिनेटली ये सानमुलामा बीच गए, और ये कमल भी जूह बीच के साथ साथ सानमुलामा बीच गया था। नहीं ऐसा तो नहीं, ये इसकी मौत ये सानमुलामा बीच पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सालों के सर भी तो वहीं से गायब हुए हैं, ये पांडू कहीं हमको घुमा तो नहीं रहा है? मौत के टाइम को लेकर 9:30-11:30 पता। हेलो एसीपी सर। देख पांडू, सीआईडी से झूठ बोलने का मतलब शायद तू अभी जानता नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, सच कह रहा हूँ कि वो क्या था कि मैं सिर्फ पैसे छीनना चाहता था, पर गलती से जान चली गई उसकी। कैसे हाँ? कैसे मारा, कैसे तूने, किस हथियार से मारा? मैंने पत्थर से मारा था पीठ पे। फॉरेंसिक से पता चला उनकी पीठ में कोई घाव नहीं था। हाँ याद आया, वो डंडे से मारा था सर पे। डंडे से कि पत्थर से? डंडे से मारा था। उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है, समझा? हाँ वो मैंने पत्थर से मारा था, और बाद में उसका गला घोट दिया ताकि वो जिंदा ना बच सके। अभी तो तूने बोला कि गलती से मर गया है। ये पांडू झूठ मत बोल, समझा ना? सर के सामने कोई झूठ बोलता ना 2 मिनट में पकड़ लेते हैं वो। उसकी मौत गला घोटने से हुई नहीं है, सच सच बोल सर को। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि खून मैंने किया, अब प्लीज मुझे जेल में डाल दीजिए। मेरा एक आदमी उनके कब्जे में है जिन्हें तुम बचाने की कोशिश कर रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो वो लोग तो जाएंगे, और तेरा वो हाल होगा ना तो सपने में भी नहीं सोचा होगा तूने। सर वो 2 दिन पहले मुझे किसी ने एक बार में बुलाया था और बोला था कि मेरे लिए कुछ काम है। पीछे मुड़ के मत देखना, मैंने ही बुलाया तुझे यहाँ। बुलाने की वजह? काम करोगे मेरे लिए? काम क्या? काम जानने से पहले काम का दाम जान लो, 5 लाख रुपए। 5 लाख? हाँ मैं जानता हूँ कि इतना पैसा काफी है तुम्हारे परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और फिर हर महीने मैं
50,000 भी भेजता रहूंगा। कहीं मुझे तो विदेश तो नहीं भेज रहा? यही समझ ले। और उस विदेश का नाम है जेल। जेल? तुझे एक आदमी के खून का इल्जाम अपने सर पर लेना है। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। सोच लो, इतने पैसों में तुम अपने बेटे का इलाज करवा सकते हो। मैं यहाँ पैकेट छोड़ रहा हूँ, इसमें 5,00,000 रुपए हैं और अंगूठी भी। वो अंगूठी तुम्हें जौहरी को बेचनी है। अब किसी भी जौहरी की दुकान पे? नहीं, एक ऐसे जौहरी की दुकान पर जो सीआईडी का वफादार है। दुकान का पता पैकेट के अंदर लिखा है। चलता हूं। इतनी बड़ी साजिश हमारे साथ कैसे हो सकती है सर? हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है खूनी। लेकिन सर, कोई ऐसा करेगा क्यों? ये खूनी हमसे छुपाना क्या चाहता है? जो कुछ भी है सर, रेत से जुड़ा हुआ है। कमल ने अपने कंप्यूटर में कुछ रेत का जिक्र भी किया है। सर, सारू के सामने भी तारिका को बताया था कि कमल जी की बॉडी पे से उन्हें 2 अलग अलग किस्म की रेत मिली थी। हो ना हो, ये कमल की मौत और सारुखे का गायब होना, इसके पीछे ये रेत ही है, रेत ही है। मामूली सी रेत किसी की मौत का कारण कैसे हो सकती है सर? ये रेत मामूली नहीं है पंकज, करोड़ों की रेत है ये, करोड़ों की। मतलब सर? मतलब इलीगल सैंड माइनिंग, रेत की चोरी, जो इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज को करोड़ों में बेची जाती है। तो हो सकता है सर, कमल जी को इसके बारे में कुछ पता चल गया होगा और उसी वजह से किसी ने उनका खून कर दिया। सर, यही बात साड़ुंग के सर को पता चल गई होगी, कहीं कहीं उनके साथ भी हो सकता है। पूरे बिल्कुल हो सकता है साड़ुंग के साथ, पर अगर साड़ुंग के जिंदा है तो हमें एक एक कदम फूक फूक के डालना पड़ेगा। उन लोगों को भनक तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हम बीच पर क्यों जा रहे हैं? लेकिन सर, सालुन के साथ कौन से बीच पे गए, कैसे पता चलेगा? सन बुलामा बीच, प्रेरी सन बुलामा बीच। वहाँ उस रेत में जो तेल के अंश मिले थे वो कमल के लाश पर से भी मिले हैं। और सन बुलामा बीच पे ही कमल जी का खून हुआ है, बाद में उनकी लाश जो बीच पे डाल दी गई। तो फिर अभिजीत तैयार हो जाओ और एक नया किरदार निभाने के लिए सन बुलामा बीच। माइंड ब्लोइंग या लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, नाइस सुजी, वेरी नाइस, कम ऑन लुक अप, चिन अप, चिन अप, चिन अप, ग्रेट सुजी, ग्रेट, नाउ चेंज सुजी, चेंज, चेंज, थैंक यू, लवली, लवली, कम ऑन संयुक्ता, कम कम, योर टर्न, कम ऑन, कम ऑन, लाइट इधर, लाइट इधर, या रेडी, रेडी संयुक्ता, नाइस, वेरी गुड, लवली, सुपर, इधर देखेंगे, माइंड ब्लोइंग, ए किधर घुस रहा है, थोड़ा बाहर जाना यार, लाइट ले रहा है कि क्या कर रहा है, कम ऑन, कम ऑन, हरी अप, या सुपर, सुपर, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, चेंज, 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 जल्दी चलिए, नेक्स्ट लोकेशन, कम ऑन एवरीबॉडी, अरे जल्दी जल्दी लाइट वाले लेके जाओ। सर, हाँ? क्या कर रहे सर हम लोग, यहाँ पे तो कोई गड़बड़ दिखी नहीं रही है। अरे यार पंकज, दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं वो रात को ही होते हैं, रात का इंतजार करो। सर अगर रात में होते तो हम लोग सुबह से यहाँ क्या कर रहे हैं सर, रात ही में आते थे ना। अरे यार माहौल बनाना पड़ता है ना, उनको लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कुछ नाटक कर रहे हैं। कम ऑन सर। कॉकरोच नजर आ रहा है या नहीं? यार अभी तक तो नहीं, लेकिन टाइम तो हो गया बाहर आने का। जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा ये कॉकरोच निकलते किस गटर से। एक एक मिनट डॉक्टर सालुके की जिंदगी पे भारी है। हाँ मालूम है यार, मालूम है भाई। कम ऑन, ये लाइट इधर लो। ये जगह थोड़ी सुनसान लग रही है ना। शायद यह हमारा काम बन जाए। अरे कम ऑन बबलू, लाइट ऑन करो सर। चलो चलो चलो, कम ऑन, कम ऑन, लाइट ऑन। ओफो, 11 बज रहे हैं बबलू, 11। रोल क्या कर रहा है, रोल एक, रोल। ये फोटो शूट चल रहा है यार, तू भी ना क्या रोल कर रहा है। कम ऑन गो। क्या कर क्या? यार सुजी यू सिट। आई एम लाइक दैट। आप उसके पीछे थोड़ा सा। नाइस, लवली, सुपर, माइंड ब्लोइंग, चेंज, 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 चेंज। कम कम सिट।
गो बिहाइंड गो बिहाइंड। माइंड ब्लोइंग ग्रेट बबलू देखो क्या चाहिए इनको। प्लीज कम। लगता है कॉकरोचेज आ गए। हाँ भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? हेलो हु आर यू? अच्छा अय्याशी चल रही है। हाँ चलो निकले यहाँ से। लिसन इतना नहीं है, फोटोशूट चल रहा है, तुम लोग निकलो चलो। ओ मैडम यहाँ पे कोई शूट भी अलाउ नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। हेलो तुम लोग होता कौन है हमको यहाँ से बाहर निकालने का? ये जगह तुम्हारा चाचा का है। चाचा पे मत जाना वरना बहुत बुरा होगा। क्या करेगा? समझा दो इनको। लेट मी हैंडल इट। भाई साहब एक मिनट एक काम डाउन। क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? मिस्टर जॉन हो या टॉन, ये प्राइवेट बीच है समझा, तुम अपना यूनिट को लो और यहाँ से निकलता बनो। नो वायलेंस नो वायलेंस। प्राइवेट बीच है प्राइवेट बीच है, मैं समझ गया प्राइवेट बीच है, लेकिन दो चार फोटो कीजिएगा यहाँ से चला जाएगा। क्यों पेट पे लात मार रहे? अबे भाई ने बोला ना एक बार चल निकल यहाँ से कि हाथ पैर तोड़वा के निकलेगा यहाँ से। नहीं 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 हाथ पैर को तोड़ाएगा सीधी तरह जाएगा। नो वायलेंस नो 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 बेबी बेबी चलो 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 यहाँ से बबलू शिफ्ट करो चलो। बैकअप को शिफ्टिंग शिफ्टिंग भाई लोग चलो शिफ्टिंग। क्या भाई क्या बोलते हैं? गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा तुम्हारा खराब है। हम लोग यहाँ से क्यों जा रहे सर? मुझे तो लगता है यही वो लोग हैं। मालूम है जोश से नहीं होश से काम लेना है, इनको रंगे हाथों पकड़ना है। अरे शिफ्ट करो। ए, जल्दी जल्दी काम करो, खाना नहीं खाया क्या? जल्दी करो बॉस आने वाला है, जल्दी करो। अरे वाह 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 क्या लोकेशन है, बहुत बढ़िया लोकेशन है भाई साहब, यहाँ पे फोटो शूट कर ले, एक दो आपकी भी ले लेंगे। बोला ना तुझे यहाँ कोई शूटिंग नहीं चलेगी तेरी। ए शाने ए चल ए सब लाइन में लगाओ। सर कौन है तुम लोग? बोलो। सीआईडी। क्या बहुत हो गई रेत की चोरी। डॉक्टर साहब कहाँ है? अभी इसका क्या करना है? कुछ नहीं, बॉस ने कहा इसको अभी हाथ नहीं लगाने का। क्या हाथ नहीं लगाने का? सीआईडी यहाँ आ चुकी है, अगर इसे हमने जिंदा छोड़ा तो हम सब फंसेंगे, समझा? सही कह रहा बकिया, लाश को बोरी में डाल के समुद्र में फेंक दो। ओके बॉस। सालू के साम सर 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 सालू के सर 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 ठीक है सर, नब्ज चल रही है सर, बेहोश है, हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। कमल का खून तुमने किया और पांडू को पैसे दिए ताकि कमल के खून का इल्जाम वो अपने सर पे ले ले। हाँ ताकि सीआईडी केस बंद कर दे और मेरा सैंड माफिया का धंधा चलता रहे। ए, कौन है वहां पर? कौन है? प्लीज, 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 प्लीज,
प्लीज। बचाओ बचाओ मुझे, कोई है? ए रुक, बचाओ बचाओ मुझे। रुक, कहाँ जा रहा है? प्लीज मुझे मत पकड़ो। और उस विदेश का नाम है जेल। डॉक्टर सालों के को जान से मारने की कोशिश की तुमने, हाँ? क्योंकि वो मेरा सारा राज जान चुके थे और मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसको खत्म कर दूंगा। तुम्हारे जैसे बहुत आए और बहुत चले गए, सीआईडी को खत्म करने वाले, समझा? अब जेल की सलाखों के पीछे बैठ के अपने काले धंधों का हिसाब किताब करते रहना, चल। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.